नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप मैथ्स और रीजनिंग के सारे पार्टों को दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 186 है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, मैथ के प्रश्न सॉल्व करिए दोस्तों, या रीजनिंग के प्रश्न को पढ़ के समझने का प्रयास जरूर किया करिए। देखिए, प्रश्न कह रहे हैं, रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है। तो देखिए, यहां पे मैं पहले सिंपल भाषा में क्वेश्चन को समझा देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। क्या है दोस्तों, एक वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, इस प्रकार से। और कह रहा है 50 मीटर भुजा वाले, यानी कि ये 50 है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 85 होगा। ये भी क्या होगा, 85 है, ये भी 85 है, ठीक है। 50 50 50 50 कितने बार है, चार बार है, चार भुजा है, तो ये टोटल कितना दूरी हो जाएगा दोस्तों, 200 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा दोस्तों, 200 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोल रहा है यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है किलोमीटर प्रति घंटा, देखिएगा, मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो आप क्या करेंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा किया जाता है। कितने से गुणा किया जाता है, देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से किया जाता है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए दोस्तों 18/5 से गुणा किया जाता है। यह तो आपको पहले भी बताया हूं। तो देखिए, अब यहां से 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या आंसर दोस्तों, 5 मीटर पर सेकंड। क्या होगी दोस्तों, यह चाल होगी, और यहां पर दूरी दोस्तों दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय ही तो निकालना है, तो क्या करेंगे, चाल क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। तो 200 मीटर को 5 से भाग करिए तो क्या होगा दोस्तों, 5 चौको 20 और ये 0, यानी कि 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, 40 सेकंड। यानी बर्गा पार्क, देखिएगा, वर्गाकार जो पार्क है, चारों चक्कर लगाने में, यानी चारों तरफ से उसको चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, आंसर होगा 40 सेकंड। देखिए 40 सेकंड किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये आपको समझाने के लिए लिखा हूं दोस्तों, इतना इसमें करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है चार भुजा है, तो 50 चौको क्या होगा दोस्तों, 200 हो जाएगा, और यहां पर 18 क्या है दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, मीटर पर सेकंड से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20 क्या आएगा, 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। बस इतना ही, आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखिए, अब यहां पे समझा रहा हूं, पहले बेसिक से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आप गलती ना करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। यहां पे बोल रहा है 12 आदमी या 24 लड़के, 12 आदमी काम करेंगे तो 20 दिन लगेगा, या 24 लड़के काम करेंगे तो 20 दिन लगेगा। यहां पे ये बोल रहा है 12 आदमी या 24 लड़के दोस्तों एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, और यहां पे बोल रहा है सेकंड स्टेप में 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आप क्या करिए दोस्तों, लड़कों को क्या बोलिए, आदमी में कन्वर्ट कर लीजिए, या आदमी को लड़कों में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है, एक ही चीज रहे।
रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लड़के ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों 24 लड़के हैं, 20 दिनों में काम करते हैं। 24 लड़के हैं दोस्तों, कितने दिनों में, 20 दिनों में काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 24 आदमी और 12 लड़के, तो आदमी को क्या करेंगे दोस्तों, आदमी को क्या करेंगे, लड़कों में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये बोला है 12 आदमी या 24 लड़के, का कहने का मतलब है दोस्तों 12 मैन आदमी बराबर क्या है दोस्तों, 24 बॉयज है, ये बराबर है। तो एक मैन एक आदमी बराबर कितने दोस्तों लड़के होंगे, एक आदमी बराबर दो बॉयज होगा। तो यहाँ पे 24 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, 24 दुना के 48, 48 लड़के ये और 12 लड़के ये, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 60। तो 60 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में करेंगे, M1D1 बराबर M2D2, फॉर्मूला तो आपको पता होगा। तो देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, 20 तियाई 60 और 3 से ये 24 कटेगा 8 बार में, 3/24, तो D2 बराबर दोस्तों क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि कितने दिनों में दोस्तों करेंगे 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उस काम को, 8 दिन। देखिए 8 दिन किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, प्रश्न यह है दोस्तों, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी 26 अंक क्या है दोस्तों, इसके ज्यादा है। अब आगे बोल रहे हैं दोस्तों, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। राजीव को क्या हो रहा है दोस्तों, 20% अंक मिल रहा है, कितना परसेंट, 20%, और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो ऐसे प्रश्न आए तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ बराबर रखेंगे, बराबर कहने का मतलब है दोनों तरफ क्या कर लीजिए, पास कर लीजिए, कहने का मतलब ये है 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, 20% अंक मिले हैं, अगर इसे दोस्तों क्या होता और 24 अंक मिल जाता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ अच्छे समझिए, 20% अंक मिला है, 24 से क्या हुआ है दोस्तों, ये अनुत्तीर्ण हुआ है, अगर इसे 24 अंक और मिल जाता तो ये क्या हो जाता दोस्तों, 24 अंक मिल जाता तो ये पास हो जाता। दूसरे तरफ अरविंद को क्या है दोस्तों, 45% अंक मिले, कितने परसेंट, 45% अंक मिले हैं, वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है यानी पास हुआ है, तो 26 अंक से दोस्तों क्या है, पास हुआ है, यानी 26 अंक से ज्यादा मिले, तो इसे अगर हम 26 इसमें से कम कर लेंगे तो भी ये क्या होगा, पास होगा, ज्यादा नहीं होगा, पास होगा। दोनों तरफ क्या किए, पास कर लिए, यानी कि दोनों तरफ बैलेंस कर लिए, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज एक तरफ कर लीजिए, अंक को एक तरफ कर लीजिए, ये 20% दोस्तों इधर जाएगा तो क्या होगा बताइए, बराबर कुधर, तो ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 45 में से दोस्तों 20 जाएगा तो क्या होगा, 25% हो जाएगा। चलिए इधर लिख देते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। और इधर देखिए -26 है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, +26 हो जाएगा, 24-26 मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, 24-26 हो जाएगा 50, यानी कि 25% बराबर 50 अंक, तो बताइए 1% बराबर दोस्तों क्या अंक हो, कितने अंक होगा, 1% बराबर होगा 2 अंक, होगा कि नहीं, ठीक है। अब यहां पे पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, तो अब आप दोनों समीकरण, जो पहला ऊपर समीकरण है 20% 24 अंक और दूसरा 45% और 26 अंक, ये वाला है ना, आप किसी में दोस्तों रख के आंसर ला सकते हैं। चलिए ऊपर वाले में रख के दिखा देता हूं, फिर नीचे भी दिखा दूंगा। 24 अंकों से क्या है, अनुत्तीर्ण हुआ है, यानी 24 अंक क्या है दोस्तों, इसे कम मिला है, तो 24 अंक बराबर दोस्तों कितना परसेंट होगा, देखिए 2 अंक बराबर क्या है दोस्तों, यहां पे 1% है, तो 24 अंक बराबर क्या होगा, 12%, 20% अंक मिला है, 12% और मिल जाता तो दोस्तों क्या हो जाता, ये पास होता, तो 20 12 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 32%। तो देखिए
उत्तर होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक है? 32% आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। आप चाहे तो और दूसरे से भी निकाल सकते हैं, 45% दोस्तों ये अंक मिला है इसे। 26 अंक किसके क्या है? ज्यादा है, तो 26 अंक बराबर कितने परसेंट होगा? 13% होगा, क्योंकि दोस्तों कि यहाँ पे दिया है 2% बराबर 2 अंक, तो या कह लीजिए 2 अंक बराबर 1%, तो 26 अंक बराबर 13%, 13% इसमें से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, क्योंकि 13% ज्यादा है, 45 में से दोस्तों 13 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 32 ही आएगा। तो आंसर आपका दोस्तों क्या होगा, 32% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पर जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उस चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए, अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस चैनल पे मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो जरूर जुड़िए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए, पहले प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ये है दोस्तों, यदि अंडर रूट 2 का पावर n इज इक्वल टू 64 तो n का मान है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए दोस्तों आपके एग्जाम में और पूछे n का मान या x पावर दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे प्रश्न आए तो क्या किया जाता है, दोनों तरफ बराबर किया जाता है। बराबर कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2 का पावर n है, इधर 64 है, आप क्या करेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर an हो जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 64 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों ये 64 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए यहां 2 है तो इस 64 को भी क्या करेंगे 2 के पावर में ही रखेंगे, यानी देखिएगा 2 के पावर कितना करें कि 64 हो जाए, 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है 64 होता है, आप इसे करके भी देख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अब देखिए 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 है ना, यानी 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है 2 का पावर n इज इक्वल टू, अब इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 का पावर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब 6 इधर पावर है, उसके बाद पावर क्या है 2, तो 6 × 12, इसे ऐसे भी आप कह सकते हैं 2 का पावर n = 2 का पावर 12, यानी कि 12 कह सकते हैं। अब क्या करिए दोस्तों, बेस बराबर है, दोनों तरफ 2-2 हैं, तो घातों की तुलना करेंगे, तो n बराबर दोस्तों क्या होगा, n बराबर हो जाएगा 12, n बराबर क्या होगा 12, और यही आपका आंसर हो जाएगा, n का ही तो मान पूछ रहा है। देखिए 12 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं, अभी तक दोस्तों आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे जाके सीसी मेकर सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए। जो नए स्टूडेंट हैं अभी तक आप लोग दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके सीसी मेकर सर्च करके आप जरूर फॉलो करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है, हम आंसर देखेंगे कितने लोग सही कर रहे हैं, और जिन दोस्तों को नहीं पता है ये कैसे सॉल्व होगा तो क्या करेंगे देखिएगा, वो क्या करेंगे मैथ का पार्ट नंबर 185 देख लेंगे, पार्ट नंबर 185 के क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 185 में इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 185 आपको मिलेगा कहां से दोस्तों, इसका लिंक यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं दोस्तों, आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 185 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों
दोस्तों इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।